खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। पुलवामा हमले का जवाब भारतीय वायुसेना ने आतंकियों को नेस्तनाबूद करके दे दिया है। वायुसेना के मिराज विमानों ने मंगलवार तड़के 3:30 बजे LOC पार कर POK में बड़ी कार्रवाई की और आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इस हमले का वीडियो और फुटेज POK ने सामने किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी फुटेज जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि भारतीय विमानों ने खाली मैदान में बम गिराए। हालांकि तड़के हुए हमले के वीडियो में वायुसेना के विमान बम गिराते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट में लश्कर, जैश और हिजबुल के कैंपों को तबाह कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो वायुसेना ने इस ऑपरेशन के लिए 10 से अधिक मिराज विमानों का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना ने करीब 21 मिनट तक ताबड़तोड़ बम गिराकर 200 से 300 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि 1971 के बाद पहली बार एयरफोर्स ने LOC पार कर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसके लिए वायुसेना ने इसराइल तकनीक की मदद ली है। हमला करने से पहले इसराइल ऑक्स ने पाकिस्तानी रडार जाम किए। इसके बाद हारूप ड्रोन ने आतंकी ठिकानों की जानकारी दी। इसी इनपुट के आधार पर मिराज 2000 विमानों ने बम गिराए।